सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। मौजूदा दौर सिंधिया के नाम है, चाहे कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दगाबाजी की बात करें या फिर विचारधारा को बदलने की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शीर्ष पर ही आता दिखाई देता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस को छोड़ा तो यही बात की जा रही थी कि आखिर उन्होंने कांग्रेस को क्यों छोड़ दिया, कांग्रेस सत्ता में नहीं है या इसलिए, या उनके सम्मान में किसी प्रकार की हानि आ रही है। और यदि सम्मान में हानि की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सम्मान में हानि कभी भी नहीं पहुंची है जब तक वह कांग्रेस में रहे, अभी बीजेपी में शामिल होने तक। जब वह बीजेपी में आते हैं तो हमें पूरी उम्मीद थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है मध्य प्रदेश का, या फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। फिर जब इससे नीचे बात आती है तो केंद्रीय मंत्री पर आकर बात टिक जाती है, लेकिन वह भी अभी तक उन्हें नहीं बनाया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। लेकिन अब उपचुनाव का दौर है। हम आपको बता दें कि चंबल के इलाके में जो ग्वालियर से जुड़ा हुआ है 16 सीटों पर उपचुनाव है, वहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्य चेहरा बनाकर भेजा जाएगा, यानी कि नेतृत्व करते ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आएंगे, पोस्टर्स में ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा दिखाई देगा, मंचों को भी साझा करेंगे, लगातार लोगों के साथ बातें करेंगे और अपने विचार भी व्यक्त करते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या इतनी बात के लिए ही वे भारतीय जनता पार्टी में आए थे? इससे पहले तो कांग्रेस ने भी, चाहे वह उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर झारखंड का चुनाव हो, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, लगातार स्टार प्रचारक के रूप में सामने रखा है। तो यही काम तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, अभी तक आपको केंद्रीय मंत्री भी नहीं बनाया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का वही सम्मान है जो सम्मान उन्हें कांग्रेस में मिल रहा था, या फिर अटकलें अब बीच में आने लगी हैं? आपको बीता वक्त याद होगा किस तरह उनके 20 जो विधायक हैं जब पार्टी छोड़कर आते हैं तो उनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाने में खुद बीजेपी के पुराने नेता, भले ही वह शीर्ष नेता नहीं हैं लेकिन एक लंबे अरसे के से बीजेपी के साथ कार्य करते चले आ रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अफसोस था। भले ही वह खुलकर उन बातों को नहीं कह पा रहे हैं लेकिन वह वक्त भी दूर नहीं है जब वह अपने विचारों को व्यक्त करते हुए नजर आएंगे। क्या सिंधिया को वापस कांग्रेस में चला जाना चाहिए? ये एक सही फैसला हो सकता है, या फिर अब वह इसी सम्मान के साथ, या इसको असम्मान कहें, बेइज्जती कहें, कि अब तक आपको केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया है, आपको सिर्फ स्टार प्रचारक के रूप में 16 उपचुनावों की सीटों पर लिए जा रहे हैं लेकिन आपको मिला क्या? सवाल आखिर में वही रहेगा कि आपको मिला क्या, क्योंकि आपने विचारधारा के साथ सौदा किया, आपके ऊपर कोई ऐसे केसेस भी नहीं चल रहे हैं जिससे बचाव के लिए आप डर के कारण यहाँ आ गए हैं, या फिर हो सकता है कोई अंदरूनी बात हो ऐसी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के संबंध में आप अपनी राय हमें अवश्य दें। क्या उन्हें कोई बड़ा पद मिल पाएगा? क्या केंद्रीय मंत्री बनाया जाना ही काफ़ी है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए? अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।